रहमान रहीम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये ना मिर्चें बनती है बहुत मज़ेदार वाली। आपको चाहिए छोटी मिर्चें तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन मैं लूँगी ये बड़ी वाली मिर्चें, ठीक है। तो इससे भी बहुत मज़े की, लेकिन ये तिखी नहीं होती, लेकिन इसके साथ जो मसाले होंगे ना वो ये हैं, ठीक है, इसे तिखापन आएगा, ठीक है जी। ये है इमली और ज़ीरा है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, चाट मसाला है और साथ में है आमचूर, ठीक है जी। और ये है ऑयल। चले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो है ना अभी मैं क्या, पहले तो मेरी वीडियो आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत चटपटी यहाँ चीज़ बन रही है, तो देखते हैं वो मैं क्या बना रही हूँ। मिर्चें बना रही हूँ बहुत मज़ेदार वाली, उसे आप जो है ना रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, अक्सर ये गर्मियों में मैं बनाती हूँ। वैसे तो ये सर्दी में भी खाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना वो गर्मियों में भी खाए जाएँ, तो सर्दी में भी खा सकते हैं। तो पराठे के साथ भी खाई जाती है। तो मिर्चें बन रही है बहुत मज़ेदार वाली। तो इधर आ जाइए, देखें ये तवा फ्राई पैन मैंने रख दिया है, इसमें ऑयल हम ऐड करेंगे और साथ ही ये चीज़ें जो है ये मैं ऐड करूँगी। इसमें मिर्चें हैं, ये भी मैं काटूँगी और इसके पीसेस करने हैं मुझे। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़ीरा भी है, इसके सारी चीज़ें मिक्स है, ठीक है। और ये है जी इमली, खट्टी खट्टी जो होती है, और ये है जी आमचूर, और हर चीज़ जो है ना सारे मसाले इसमें ऐड करके और फिर हम बनाएंगे इसमें मसाले जो ना वो सारे आप लोगों को दिखा दिए मैंने, और सारे मिक्स करके इसके अंदर हम इसको ना फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर मैं बनाऊंगी, ठीक है जी। तो चले सही है, ठीक है, तो फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी। तो मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो मेरी वॉच कीजिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। और बहुत अच्छी जो ना ये बहुत मज़ेदार वाली बड़ी चटपटी बनती है ये मिर्चें, तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार वाली बनती है, ठीक है जी। तो अक्सर ये ना मैं ना बनाती रहती हूँ, मेरे घर में तो बहुत ही पसंद की जाती है, तो यकीनन जब आप भी बनाएंगे ना तो आपको भी ना बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है जी। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं झटपट में जो है ना मिर्चें। चले अच्छा, ये है जी फ्राई पैन, इसमें हम ऑयल जो ना ये ऐड करेंगे, ठीक है जी, ये ऐड हो गया। साथ ही हमने क्या ऐड करना है इसके अंदर, ये सारे मसाले ना ये ऐड करेंगे, ठीक है, सारे ऐड करने, ठीक है जी। और चूल्हा बिल्कुल हमने स्लो पे रखना है, ठीक है। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें जो है ना हमने क्या ऐड करना है, ये सारी मिर्चें जो थी ना, ये वाली मिर्चें ऐड करना है, इसमें लगा रखना है, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना, ठीक है जी। साथ ही आपने क्या ऐड करना है, ये इमली है, इमली का पानी है सारा, झटपट में ये बन जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है जी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और झटपट में तैयार हो जाती है, कोई भी इतनी जल्दी इतनी देर नहीं लगती इसको, भी घंटों आप जो ना लगे रहे और मिर्चें तैयार तले आप बनाएं, और ये देखिए कितने मज़ेदार वाली ये बन गई। अब इसमें इसको ना हल्की आंच पे हम रखेंगे, कितने मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए बस, ठीक है जी, 5 मिनट के लिए रखेंगे इसको, फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। झटपट में हो गई ना तैयार मिर्चें, देखें जी मिर्चें हो गई हैं तैयार, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार वाली बनती है, रोटी के साथ खाएं इसको, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खाएं पिए मौज करें, क्योंकि यही है ज़िंदगी। कल मैं फिर हाज़िर हो जाऊंगी और एक नई रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।